लिए आए हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मोबाइल नहीं चला रहे प्लीज अपने लिए ताली बजा लें। थैंक यू। शायद आप जानते होंगे कि सबसे पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या फिल्म फेस्टिवल वेनिस में हुआ था, इटली में। वो हुआ था 1932 में, और उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे फिल्म फेस्टिवल्स होने शुरू हुए थे, और भारत में सबसे पहला फिल्म इंटरनेशनल हुआ था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1952 में। तो भारत आते आते उसे 20 साल लग गए, बट उसके बाद से अब तक हमारे यहाँ इतने सारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, इंटरनेशनल हो, कमर्शियल हो, स्पेसिफिक हो, या सिर्फ वुमेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, या सिर्फ वुमेन्स के द्वारा हो, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में फिल्म फेस्टिवल होने लगे हैं। सो ये एक और फिल्म फेस्टिवल क्यों? ये एक कुछ अलग तरीके का फिल्म फेस्टिवल है। सो ये इसमें अलग क्या है? ये बिल्कुल नया है। इस फेस्टिवल में फिल्म कॉम्पिटिशन्स के लिए आएंगी। अगर आपने कोई अच्छी फिल्म बनाई, आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिशन में जाने के लायक है, तो डेफिनेटली आप इसमें अपना फिल्म सबमिट कीजिए। आपको कॉम्पिटिशन का प्राइज मनी भी मिलेगा अगर आप जीत गए तो। सो इट्स एक्साइटिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। इससे मेरे ख्याल से एक चीज और होगी कि नए नए क्रिएटर्स आएंगे, अपनी अपनी कलाएं दिखाएंगे, और अपने अपने अलग अलग फील्ड में, जैसे हम कहते हैं कि भारत मेरा इतना बड़ा है कि हर एक कोने कोने में इतने हमारे टैलेंट भरे हुए हैं, तो ये टैलेंट उभर के आने वाला है। सो ये इसलिए डिफरेंट है, नया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो विनर को तो प्राइज मनी भी दिया जाएगा, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पहलाज निलानी जी, श्याम सिंघानिया जी, समीर अंजान जी, रईस अहमद जी, हीराचंदन जी, जरीना वाहब जी एंड कौसर खालिद जी। इस फेस्टिवल के इस फेस्टिवल के ज्यूरी हैं, और इधर जाओ अब, ठीक है? ओके, मुझे पसंद ही नहीं आया, मेरी पीठ नहीं देखना चाहता। ओके, इस फेस्टिवल के ज्यूरी हैं मेहुल कुमार, कोमल नाटा जी, संजय मासूम जी, जितेंद्र वत्स, सुभाष साहू जी, पराग चापेकर जी, राजीव वर्मा, सतलज धीर, सैकत दास, तुषार थारोट, के एस अद्यमन, सीमा पाहवा और भी हैं, और हैं अतुल मोहन जी, अनिल दुबे। और आज इस फिल्म फेस्टिवल की हम वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फाउंडर और ऑर्गेनाइजर अयूब खान जी को बुलाना चाहूंगी, और साथ में सैयद अहमद जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज आए। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ हाजिर हुआ, और साथ में मेरे मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है, पहले तो होते रहती थी। और ये जैसा कि एकता जी ने बताया कि फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, बट ये फेस्टिवल कुछ अलग है, तो वाकई में मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, और मैं हमेशा अलग ही करता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैंने भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी मैंने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, फैमिली फर्स्ट, तो उस फिल्म को लेके बहुत सारे फेस्टिवल्स में मुझे बुलाया और मुझे अवार्डों से नवाजा, नेशनल एंड इंटरनेशनल हर तरह के। तो मैं, ये मेरे लिए पहली बार था, तो मेरा कुछ अलग तजुर्बा हुआ। मैं जब हर जगह गया तो मैंने देखा कि जो लोग फिल्में बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वह टेक्नीशियन हो, प्रोड्यूसर पैसे कैसे कैसे करके लगाता है, एक्टर्स मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ फेस्टिवल्स में देखो, जो लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं पैसे कैसे बनाऊं। इवन कोई किसी को चाय तक नहीं पूछता, आपको पानी भी पीना है तो खुद खरीदना पड़ता है, जबकि हमारी फिल्म से उनका फेस्टिवल है, उनके फेस्टिवल से हमारी फिल्में नहीं। तो मैंने जब ही सोचा कि मैं भी अब एक फेस्टिवल
करूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से तकरीबन 40 साल से जुड़ा हूं, कई फिल्में बनाई हैं, सारा कुछ जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं। और तो मैंने प्लान किया कि चलिए अब इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं और इस काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, अच्छे टेक्नीशियन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सबको आगे बढ़ाते हैं। और फिर मैं एक प्लान किया और मैं जिन जिन लोगों से मिला, अपना विचार उनके सामने रखा कि सर मैं ऐसा करने जा रहा हूं, करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि किसी ने मुझे ना नहीं बोला, हर किसी ने मेरी हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़े और बोले कि भाई आप करिए, मैं पूरी तरह से जितना भी वक्त होगा वक्त दूंगा और जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा आपके साथ। और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्याम सिंघानिया साहब का। इनसे जब मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि अजय भाई क्यों तुम ये करने जा रहे हो, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे काम करते हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता। तो मैंने फिर उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ये सोच है तो मैं हर वक्त आपके साथ हूँ और आप चलिए आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेहुल कुमार साहब हैं, इन्हें मैं जानता नहीं था, इस फेस्टिवल की वजह से हमारी, मतलब जानता तो था, दुनिया जानती है, बट इस फेस्टिवल की वजह से हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई और मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, बहुत लोगों को बनाया है, बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, आप मेरा साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, और कौन कौन है, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा चलिए अजय भाई मैं भी आपके साथ। इस तरह से हमारे एक भाई कम दोस्त हैं रईस अहमद साहब, जो पेशे से दो बिल्डर हैं, रसाल उनकी कंपनी है, और इत्तेफाक से मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उन्हीं के लिए बनाई थी। और अच्छी बात यह थी कि वो एक्टर तो नहीं है, उन्होंने कभी शूटिंग भी नहीं देखी, बट उस फिल्म में मैंने उन्हें मेन रोल कराया और वो तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप इसलिए करिए कि आपकी शादी की कैसेट तो नहीं होगी, उस जमाने में वीडियो होता नहीं था, तो ये फिल्म होगी तो आपके पोती पोते ये तो कहेंगे कि मेरे दादाजी हैं, ऐसे पोते तो मेरे दादाजी ऐसे करते थे। तो उन्होंने किया और फिल्म अच्छी बनी और इस तरह से हम यहाँ तक आए। और बहुत सारे लोग हैं, जरीना वहाब जी हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उनके मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा कि अभी भाई आप करिए हम करते हैं। इस तरह से हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब चाहेंगे कि आगे भी जाएं। और सबसे पहले मैं इस फेस्टिवल से यही करूंगा कि अच्छी फिल्में लूंगा, हर जबान की फिल्में लूंगा, और जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, साउंड डिपार्टमेंट से हैं, डायरेक्टर एक्टर सबको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे देश में अच्छी फिल्में बने, बनती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छी नहीं बनाते, पैसे बनाने के लिए फिल्में बनाते हैं। पहले जैसे मेहुल साहब है, ये लोग कुछ कहने के लिए, लोगों को कुछ बताने के लिए फिल्में बनाते थे, पैसे तो आते ही हैं, आप बिजनेस करेंगे तो पैसे तो आपके पास आने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छा करिए फिर पैसे कमाइए। तो मैं भी ये फेस्टिवल उसी नजरिए से करने जा रहा हूँ और आप लोगों का साथ चाहूंगा, सपोर्ट चाहूंगा, और हम ताकि आगे बढ़े, हिम्मत आए हमारे अंदर। और ये बात हमारे ये छोटे भाई हैं सईद साहब, ये भी बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, तो इनका मेडिकल वगैरह का, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, इनकी प्रॉपर्टी का कारोबार है, तो इनको भी हमने कहा कि भाई आप भी आ जाइए साथ में, कम से कम एक से भले दो, क्योंकि मेरा बेटा भी है, कहीं होगा बेटा, उसे फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं है, और हमें खाना पीना सोना जागना सब मेरे लिए फिल्म है, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा जुड़ना क्या, मैं छोटा भाई हूँ तो मेरी गर्मी नहीं है, जब से इनसे जुड़ा हूँ तो एक चीज ये है कि इनकी जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो अच्छी लगती, हमेशा अच्छी लगी है, कंटिन्यूसली अच्छी इसलिए लगती गई कि जुड़े होने की वजह से देखा कि चलिए कुछ लोग किसी को नकारना या तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, इसकी वजह से वो काम किया जा सकता है, लेकिन किसी के काम को एक्सेप्ट करना, सराहना, वो थोड़ा मुश्किल है,
और इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है और हिम्मत करी है, तो इनके लिए थोड़ी सी बढ़ती है कि इनकी हिम्मत के लिए। और बहुत कुछ मेरा बोलना बनता भी नहीं है और बोलना आता भी नहीं है बहुत कुछ मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो अयूब जी सिटिंग हियर, तो बहुत कुछ वो बताएंगे जिनका होना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। अब मैं क्या बोलूं, बोल दिया इन्होंने, सारे लोग बोलेंगे। थैंक यू जी। तो अयूब जी हम सबसे देखिए, काफी कुछ अयूब भाई ने बोल दिया है और जो भी उन्होंने बोला वो सही बोला और जो वो करने जा रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि आजकल इस तरह के मतलब फेस्टिवल कम होते हैं। बाकी फेस्टिवल भी एक धंधा बन गया है, कहीं भी जाओ। और फिल्म इंडस्ट्री भी आज हमारी जो एक क्रिएशन था ना वो खत्म हो चुका है, फिल्म इंडस्ट्री भी धंधा बन गई। इसीलिए देखिए अच्छी फिल्में नहीं आ रही, यादगार फिल्में नहीं आ रही, अच्छा म्यूजिक नहीं बन रहा है, यादगार म्यूजिक बहुत कम बन रहा है। एक फिल्म में चार म्यूजिक डायरेक्टर होते, चार राइटर होते, और फिर भी देखो तो किसी का नाम मालूम नहीं लोगों को। तो ये मतलब एक बहुत हमारे लिए दुखद बात भी है इंडस्ट्री के लिए कि क्रिएशन साइडवेज हो गया है और सिर्फ धंधा बन गया है। तो अवार्ड भी वही है आज, हर जगह धंधा बन गया। बोले वो सही बोले थे कि चाय भी नहीं मिलती, अवार्ड फंक्शन सब करते हैं। तो अयूब भाई जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, नीट एंड क्लीन बात है। तो मैं उनको विश करता हूँ कि इसी तरह से फेस्टिवल उनके करते रहे और सक्सेस भी मिले, मेरी शुभेच्छा है उनको। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। योगेश जी आप बताइए। सीनियर ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ब्राइट का पूरा साथ है और हिमांशु भाई, अयूब भाई और बेउल भाई की तो मैं बरसों से सब फिल्म करते आ चुका हूँ। श्याम सिंह जैसे भी मेरे फ्रेंड है और जितनी भी नई शॉर्ट फिल्में बनने वाली है उनके जो कमिंग अप स्टार्स और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ब्राइट का सपोर्ट है। और मुझे गर्व होता है बताते हुए कि जितने सुपरस्टार है उसकी पहली पिक्चर वो जब नए थे तो ब्राइट ने आउटडोर किया है, जितने भी सुपरस्टार एक नहीं टोटल। तो ये भी हो सके ये फिल्म फेस्टिवल भी के लिए भी मैं लक्की साबित हूँ उनके लिए। थैंक यू। जयप्रकाश जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हिमांशु, आपने मुझे इनवाइट किया। अयूब भाई थैंक यू सो मच। और बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सबसे अच्छी बात है कि अयूब भाई ने जो कदम उठाया है और हम जैसे मेकर्स के लिए क्रिएटिविटी काम करने का वापस से उत्साह होगा। जैसे मेहुल भाई ने बताया कि आज इतने डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट में कितने डिवाइड, फिर भी एक अच्छी फिल्म नहीं बन पाती है। तो जाहिर सी बात है प्रेरणा है हमारे लिए कि हम भी एक अच्छी कोशिश करें, इस फेस्टिवल में शामिल करें और उन तमाम जो भी हमारे सीनियर्स लोग, चाहे प्रहलाद जी हो, मेहुल जी हो और भी जिनका नाम मुझे पता नहीं है, जुड़े हैं, तहे दिल से मैं उनका आभार और शुक्रिया अदा करता हूं। और अयूब भाई ने जो कदम आगे बढ़ाया है, उनका साथ दिया है, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू अयूब भाई, हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। यही दुआ करता हूँ कि ये जर्नी रुके नहीं, आगे बढ़ती जाए। थैंक यू। लिपिका हियर। मेहुल जी मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि आजकल अच्छी म्यूजिक नहीं बनती है, फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, मेल तो हमारे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? और आपकी कौन सी फिल्म सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लोग देख पाएंगे? मैं तो अभी फिल्म बनाना मैंने बंद कर दिया पिछले 10 बार। जागो वॉज माई लास्ट फिल्म, क्योंकि अभी क्या है, देखिए फ्रेंकली बोलू ना तो सरेंडर होके डायरेक्टर को काम करना पड़ता है जो हमने कभी नहीं किया है। तो मैं तो अभी कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मेरा मल्टीप्लेक्स है, पीसफुल काम मेरा चल रहा है, आई एम हैप्पी। मेरी बेटी है वो कनाडा में, वो फिल्म में बना रही है, उसका अवार्ड भी मिला था, तो आई एम हैप्पी अभी कुछ करने की, क्योंकि हमने जो काम किया है वो काम आज हो ही नहीं रहा, तो वैसा काम हम नहीं कर सकते। कौन सी फिल्म आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? क्रांतिवीर थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रशिया में। अच्छा, तो इसमें कोई, इसमें तो अभी मैं बना ही नहीं रहा हूँ, कोई बनाएंगे तो फिर आएगी। पराग जी आपकी बारी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि संगत अच्छी होना चाहिए, तो अयूब भाई से मेरी बरसों पुरानी दोस्ती है। तो अयूब भाई ने जब कहा कि अवार्ड फंक्शन करना है, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ,
और उम्मीद करता हूं कि ये सही मायने में फिल्म फेस्टिवल होगा और अयूब भाई की क्षमताओं पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं उनके साथ हूं, शुभकामनाएं देता हूं सिने ड्रीम्स को और अयूब भाई को। बहुत बहुत श्याम जी, फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच शोकेसेस गुड क्वालिटी फिल्म्स एंड आई थिंक अयूब भाई हैज टेकन अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इट एंड ही मस्ट डू समथिंग यू नो व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग एंड ही रियली हैज टू you know, award a film which has really done well in terms of creativity and content and not just give an award to any film. So, you know, that should be the winning streak of this festival. So, I wish him all the best. Thank you. Thank you. हम लोग कुछ senior journalist हैं तो उनको भी बुके देंगे तो I request Chaitanya Padukone ji, please. Request करूंगा, अगर हो सके तो मेहुल कुमार की रेट्रोस्पेक्टिव की गिने चुने फिल्म्स दिखाए जाए। ये मेरी दिल की बात है, इन्होंने इतने अच्छे खासे मैसेज वाले फिल्म्स बनाए हैं, एक सेगमेंट उसमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ मेहुल कुमार, ये मेरी एक सुझाव है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई रिक्वेस्ट कीर्ति, कीर्ति जी प्लीज प्लीज कम। दोस्तों, ये फेस्टिवल मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मैं अच्छे टेक्नीशियन को, अच्छे डायरेक्टर्स को, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी बातें लोगों तक सही तरीके से लोग पहुंचाएं, उसमें सबका साथ देने के लिए कर रहा। और फेस्टिवल अभी से ऑन हो चुका है, लोग अपनी फिल्में अभी से भेजना शुरू कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी फॉर्मेट की फिल्म हो, इसमें सबका स्वागत है, हर तरह की फिल्में आएंगी। और जैसे कि हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं, सारे लोग सारी फिल्में देखेंगे और उसमें से जो फिल्में सिलेक्शन में आएंगी, सिलेक्ट होंगी कि हाँ ये इस काबिल हैं कि इन्हें अवार्ड से नवाजा जाए, इनको आगे और बढ़ाया जाए, तो उन सारी कब तक होगा? ये अभी से शुरू हो चुका है और ये 28 एंड 29 मई को जुहू पीवीआर में दो दिन फुल टाइम स्क्रीनिंग होगी, सुबह 8 से लेकर रात को 12:30 बजे तक। मतलब उन फिल्मों की होगी जो फिल्में आई है या उन फिल्मों नहीं, उन फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी जो सिलेक्ट हो चुकी होंगी, आई हैं वो तो जूरी देख के उसमें से सिलेक्ट करके निकालेंगे कि ये फिल्में हैं जो देखा जा सकता है कि इनमें किसको किसको अवार्ड किस कैटेगरी में दी जाए, स्टोरी में कि बेस्ट फिल्म में, म्यूजिक में, एक्टर में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, कोरियोग्राफी में, अलग अलग कैटेगरी में। इसमें पार्ट है सर, शॉर्ट फिल्म, लघु, बड़ी फिल्म में सब पार्ट है या किस तरह से? सब अलग से? सब नहीं, अलग से कुछ नहीं है, सब हैं। और इवन मैं तो, मेरी इच्छा ये है और मैं करूँगा भी कि कुछ ऐसी फिल्में जो लोगों ने बनाई हैं, शायद पूरी बना नहीं पाए, अधूरी रह गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा और उन फिल्मों को जो लगेगी हाँ इनका कुछ हो सकता है, उनको मैं कंप्लीट करूंगा और उसे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आप लोगों को पता होगा, E4 इंटरप्राइजेस, तो मेरी कंपनी के तहत उन फिल्मों को कंप्लीट करके मैं रिलीज़ भी करूँगा और मैं ऑल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को और OTT को, इन लोगों को भी इनवाइट करूंगा, ये लोग भी आएंगे और मैं चाहूंगा कि वो लोग भी उन फिल्मों को, जो अच्छी फिल्में हैं हमारे यहाँ, उन्हें अपने यहाँ परचेज करें, अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। जी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा? हाँ, एंटर करना होगा या फ्री है? एंट्री नहीं, एंट्री क्या होता है कि फ्री में कर दो तो ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं कि अब आप ना देखो तो बुराई और देखो तो वक्त की बर्बादी। और चूंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, सबके वक्त बहुत कीमती है, कोई भी आपने देखा होगा इसमें ऐसा नहीं है कि जो घर में फालतू बैठा है, और अगर आदमी फालतू भी बैठा हो, मैं तो उसे ये सलाह देता हूँ कि चद्दर ओढ़ के सो जाओ, शरीर तो सही रहेगा, क्यों वक्त ख़राब करना। तो इसलिए हमने एक फ़ीस रखी है और फीस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 1500 रुपये फीस रखी है और उसमें 10 कैटेगरी में आपकी फिल्म जा सकती होगी, 10 कैटेगरी में जाएगी, ऐसा नहीं कि एक एक कैटेगरी में। मैंने बताया ना, मैंने फिल्म बनाई, मैं जगह जगह पे गया, तो
हर जगह एक एक कैटेगरी की फीस लेते हैं, मैंने वह नहीं किया। 1500 रुपये में आपकी फिल्म जितनी कैटेगरी के लायक होगी उतनी कैटेगरी में जाएगी, आपको उतने अवार्ड्स दिए जाएंगे। अवार्ड के साथ कोई राशि भी मिलेंगे सर या क्या है, जो फिल्म? हाँ, ये अच्छा आपका सवाल है। अवार्ड सर्टिफिकेट के अलावा 10 कैटेगरी हैं जिन्हें हम कैश प्राइस से भी नवाज देंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में होंगी उन्हें और अफजाई होगी ताकि और आगे आएँ। और मैं शायद है कि उसमें से कुछ लोगों को अपनी कंपनी के तहत काम भी करा सकता हूँ, मिलके हम काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिल्में भी बनाता हूँ तो हमें भी तो अच्छे टेक्नीशियन चाहिए। अब मैं अकेला कितना क्या करूँगा, तो वो भी काम करूँगा। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी आज इसकी बुनियाद है कंपनी की, अभी तो हमने आज कुछ किया ही नहीं, एक ही बुनियाद है। बहुत सारे हैं लोग हैं जो आज की डेट में बॉम्बे में नहीं हैं, वो यहाँ नहीं आ पाए तो वो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हमने एक डेट फिक्स कर ली, तो जो हैं तो हैं, जो नहीं हैं तो पीछे से सबने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं कल परसों जब भी आऊँगा तो जुड़ूँगा। और शॉर्ट मूवी हिंदी में रहेगा या कोई भी भाषा में चलेगा, कोई बेटर नहीं? मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी ड्यूरेशन की, किसी भी तरह की फिल्म होगी, सारी फिल्म होती है और हर फिल्म किसी न किसी कहानी पे बनती है, चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो, उनकी भी अपनी एक कहानी होती है। बहुत फ़र्क है कि उनकी लैंग्वेज है, हमें नहीं समझ में आ रही है। और आप सबको पता है कि फेस्टिवल में जितनी भी फिल्में आती हैं, भेजी जाती हैं, सब टाइटल के साथ होती हैं, तो किसी को ना समझ में आए वो भी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने सारे लोगों को, जो आप तक मूवी, आपने कहा कि आप मूवी जो है पहुंचाते रहे, अगर जो से संपर्क करना रहे आपसे, किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाइए cinedreams.iff.com, उसमें सारी जानकारी है और ऑनलाइन ही फिल्म सबमिट होगी। और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा कि इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने खुद ने बनाई है, उनके भाई हैं, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसे जूरी रखे हैं और जूरी में भी मैंने दो एक के बाद एक स्टाफ लगा दिया, ताकि अगर यहाँ वाले ने कुछ कर दिया है तो आगे वाला नहीं करेगा, और उसके बाद हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। थैंक यू सर। मेहुल जी, मैं बनाइए, एक नया फेस्टिवल आ गया है जी। और ये फेस्टिवल 28, 29 और 30 मई को होने वाला है, और आप आज इस अनाउंसमेंट के लिए आप आए, अपने वक्त दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के माध्यम से आप? देखिए, मैं बोल तो चुका कि मतलब ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जो मतलब कम हो रहे हैं, मतलब मोस्टली जितने भी फेस्टिवल इंटरनेशनल हो और अपने यहाँ के जितने भी अवार्ड्स हो, वो मोस्टली सब मतलब बिजनेस के तरीके से होते हैं, रियल मतलब जो होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे। तो ये जो मतलब अयूब भाई करने जा रहा है वो मतलब एक रियल है, और कोई भी आदमी यहाँ पहुँच सकता है, ये नहीं। सर्टेन तो ऐसे फंक्शन अपने यहाँ होते हैं अवार्ड फंक्शन कि जहाँ जाने के लिए छोटे प्रोड्यूसर सोचते हैं कि जाए नहीं जाए, फिल्म अच्छी भी होती है तो भी डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाएंगे तो। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई भी लैंग्वेज की फिल्म और इतनी छोटी सी फीस में मतलब यहाँ पे ये लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, और सही फिल्म जिन्होंने भी बनाई है, जूरी भी अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अच्छे लोग हैं, सब क्रिएटिव लोग हैं, तो डेफिनेट मेरे को लगता है कि सबको सही मतलब एक बोला जाए ना कि अवार्ड, वो सही अवार्ड से नवाया जाएगा। ओके। अयूब भाई ने जब इसका प्लान मुझे बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ नए तरीके से कुछ अपने प्लानिंग बताई कि हम लोग ऐसे ऐसे कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में कर रहे हैं, वो मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं, तो जो दूर दूर से लोग आते हैं, जो लोग फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, बहुत लिमिटेड बजट में बनाते हैं, वो एक तो अपनी इंडस्ट्री से परिचित हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। कई बार उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे अयूब भाई ने प्लानिंग बताया कि उसके साथ कुछ OTT भी शामिल होंगे, शायद उन लोगों की फिल्में भी बिक जाएँ, तो ऐसे में नए जो लोग होते हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब तो अयूब भाई के साथ हैं और आप सब भी मुझे दिख ही रहे हैं साथ में हैं, तो बस ऐसा सहयोग रहेगा तो ये बहुत सफलतापूर्वक फेस्टिवल होगा, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मेडिकल बिजनेस से फिल्म
फेस्टिवल में कैसे जुड़ गए आप, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए जिनकी फिल्में सिलेक्ट नहीं होंगी उन्हें मेडिसिन दी जाए ताकि आगे अच्छी फिल्में बनाएं। फिल्म देख के सर दुखे तो पहले मेडिसिन खाओ और काम पे लग जाओ। अरे सर ऐसा नहीं है, बस जुड़ना क्या है, भाई हूँ तो जुड़ने का कोई और दूसरा रीज़न है नहीं। अब जुड़ गया हूँ तो अब इसके आगे सोचूंगा कि क्या करना है, कि हो सकता है मैं कुछ करूँ, और है कुछ दिमाग में, करूँगा तो आएगा, फिर सामने आएगा। जी ये भी अच्छे राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ करूं, तो कुछ करेंगे। पहले कोशिश किया कभी कुछ करने का, लेकिन ये रहा कि बचपन से रहा हूं साथ में, तो देखा हूं यहां लोग स्ट्रगल कर करके लाइफ ख़राब भी हो जाती है, तो मुझे लगा पहले खुद सेटल हूं, उसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब करूंगा तो उम्मीद है कि कर सकता हूं, खुद कर सकता हूं, लेकिन एक टाइम होता है कि लोगों को ढूंढते रहो कि कौन क्या करेगा कैसे होगा, तो वो टाइम वेस्ट होता है, तो काफ़ी लोगों का देखा वेस्ट हुआ, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है। नहीं मस्त है, बहुत अच्छी हुई है, जितना सोचा नहीं था उतना अच्छी हो गई है। इसके बारे में तो हमारा पूरा खानदान, हम 5 भाई हैं और आज भी हम एक साथ ही रहते हैं, और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, मैं 1980 में मुंबई आया था और तब से आज तक मुझे ऊपर वाले से 1% की भी शिकायत नहीं है। मैं जिस लायक नहीं था उसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए मैं कभी घबराता नहीं और कोशिश पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ पहुँचाने वाला है, वो भी जानता हूँ। इसलिए ये भी जो कर रहा हूँ ये सोच के ही करूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं डायरेक्शन करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, तो मैं वहाँ से पैसे कमाता हूँ। फिर वैसे काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, उसका टेंशन नहीं है, बट मेन ये है कि क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ फिल्में देखता था और इसीलिए एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट का भी इंतज़ार नहीं किया, रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, सीधा मुंबई। और हाँ ये फाइनल इसका 30, हाँ 30 मई को फाइनल होगा। और फिल्में सबमिट कब तक कर सकते, फिल्में सबमिट कब तक कर सकते? सबमिट करने का वैसे वेबसाइट में सारा कुछ दिया हुआ है, बट 30 अप्रैल तक, हाँ, और वो भी 3 शेड्यूल में, हाँ उसकी भी 3 शेड्यूल बनाई है, एक फर्स्ट शेड्यूल ताकि हम लोग फिल्में देख भी सकें, और कुछ लोगों को होता है कि उनकी फिल्म बनी नहीं है और अगर और जल्दी की डेट कर देंगे तो बेचारे सबमिट कैसे करेंगे, तो हमने उसके लिए भी एक मार्जिन रखी है ताकि अच्छी फिल्में और लोग भेज सकें, आ सकें। थैंक यू। और